आज मैं बताने वाली हूँ डायबिटीज़ के बारे में। रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज़ मतलब किन किन लोगों को डायबिटीज़ हो सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, मतलब अगर मदर को या फिर फादर को डायबिटीज़ है, तो उनके बच्चों में डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। ओबेजिटी, अगर पर्सन मोटा है तो उसमें होने की संभावना ज़्यादा है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अगर वो फिजिकली वर्क नहीं करता है तो उसमें होने की संभावना ज़्यादा है। स्मोकिंग, अगर वो धूम्रपान करता है तो। फास्ट फूड, हाइपरटेंशन, अगर उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो। इन सभी तरह के लोगों में डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज होता क्यों है? हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होता है, उसका काम है इंसुलिन का सिक्रीशन करना, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना। अगर किसी भी कारणवश, चाहे वो एक्वायर्ड कंडीशन हो या फिर जेनेटिक्स हो, एक्वायर्ड कंडीशन में हमारा आ गया ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, और जेनेटिक्स में आ गया मदर या फादर को अगर डायबिटीज हुआ हो, तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब कि ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है। इसके कारण जो होता है ना, बीटा सेल्स जो है वो फेल कर जाता है, इसके कारण डायबिटीज मेलेटस होता है। डायबिटीज का लक्षण क्या क्या होता है? तो एक्सेस थर्स्ट, प्यास बहुत लगेगी, ड्राई माउथ, मुंह हमेशा सूखा सूखा लगेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब होगा, ब्लर्ड विजन, धुंधलापन दिखेगा, टिंगलिंग या नमनेस इन हैंड एंड फिट्स, मतलब झुंझुनाहट फील होगा हाथ में, पाँव में, रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन होगा, स्लो हीलिंग उंड्स, अगर थोड़ा सा भी कट जाएगा तो उंड जो है, घाव है वो हील नहीं करेगा। डायबिटीज़ का जांच क्या है? तो डायबिटीज़ के जांच के लिए फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल करवाते हैं। अगर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 126 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा है, उसका मतलब हुआ कि वो उस आदमी को डायबिटीज़ है। या फिर ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन अगर 6.5% से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है। ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस करवाते हैं, अगर ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस 2 आवर्स के बाद अगर 200 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब उस आदमी को डायबिटीज है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है? डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जो काउज है उसको दूर करना है। अगर फिजिकल इनएक्टिव पर्सन है तो उसको फिजिकल वर्क करने के लिए बोलेंगे। स्ट्रेस के कारण हो रहा है तो स्ट्रेस दूर करने के लिए करेंगे। और फूड, और उसको जो खाना देंगे वो अकॉर्डिंग टू वर्क के आधार पे देंगे। अगर सेडेंटरी इंडिविजुअल अगर कोई वर्क नहीं करता है, तो उसको टोटल कैलोरी हम लोग को देना चाहिए 30 किलो कैलोरी पर केजी पर डे देना चाहिए। अगर मॉडरेटली एक्टिव काम कर रहा है तो उसको देना चाहिए 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे देना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उसको देना चाहिए 40 किलो कैलोरी पर केजी पर देना चाहिए। और डाइट में क्या देना चाहिए? तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए जो कि 50 to 65% होना चाहिए, प्रोटीन देना चाहिए जो कि 10 से 20% के बीच होना चाहिए, टोटल फैट जो देना चाहिए जो कि 25 से 30% के बीच होना चाहिए। और पेशेंट के खाने का शेड्यूल क्या होना चाहिए? इसके लिए सुबह में 2 रोटी, हरी सब्जी, हरी सब्जी जितना खाए उतना अच्छा रहेगा। दोपहर में एक बॉयल चावल, थोड़ा सा चावल, फिर रोटी, दही, ये सब लेनी चाहिए। फिर शाम में हल्का फल्का भुजा लेनी चाहिए। फिर रात में 2 रोटी, दाल, दूध 1 गिलास लेने चाहिए। मतलब कि एक्स्ट्रा डाइट लेना नहीं चाहिए। और अगर इन सभी चीज़ों से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम लोग एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें मेटफॉर्मिन आता है और दवाई का डोज जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार देनी चाहिए। डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन क्या है? मतलब कि डायबिटीज़ हमारे किस किस चीज़ों को, किस किस ऑर्गेन को डैमेज करता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो है ना, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज करवाता है। मतलब ये हुआ कि जो हार्ट को, जो आर्टरी ब्लड दे रहा है वो डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण कि हार्ट अटैक हो जाएगा, सेरिब्रो वास्कुलर डिजीज हो जाएगा, इसके अंतर्गत स्ट्रोक आ जाएगा, हैमरेज आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जिस पार्ट को, ब्रेन के जिस पार्ट को
ब्लड सप्लाई जा रहा है वो हैम्पर हो जाएगा, फिर वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होगा, इसके कारण जो है उस वो वाला पार्ट जो है ब्रेन का काम नहीं करेगा, पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मार देगा, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होगा, इसमें क्या होगा लेग पेन होगा, फटीग होगा मतलब पैर में दर्द होगा, आदमी थक जाएगा। माइक्रो वास्कुलर डिजीज में क्या होगा रेटिनोपैथी होगा, रेटिनोपैथी में क्या होगा कि आदमी को विजन लॉस हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। नेफ्रोपैथी होगा, नेफ्रोपैथी में क्या होगा तो किडनी हमारा ख़राब हो जाएगा। न्यूरोपैथी होगा मतलब हाथ में पैर में बैक में दर्द होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, पेन फील होगा, शार्प पेन होगा, टिंगलिंग टाइप का पेन होगा, मसल्स जो है ना क्रैम्प करेगा। थैंक यू।